अस्सलामुअलैकुम, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सैटरडे को वैसे तो मैं अमूमन इतना जल्दी किचन में नहीं आती हूँ, लेकिन आज मैं किचन में इसलिए जल्दी आई हूँ कि आज हमारे घर में आप लोग आ रहे हैं और चूल्हों ने बहुत गैस ने बहुत तंग किया हुआ है, अक्सर गैस चली जाती है, तो इसीलिए आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने किचन निकाल के डीप रोस्ट किचन के चिकन निकाल के डीप रोस्ट करके धो भी दी है, लेकिन बना नहीं पाई क्योंकि मेरे पास प्याज ख़त्म हो गया था। मुझे याद ही नहीं था मेरा प्याज ख़त्म हो गया। अभी जो है मैंने प्याज मंगवाई भी है और बस जल्दी जल्दी तो इतने जो जल्दी जल्दी सोची थी बच्चों के उठने से पहले ही मैं खाना वगैरह बना के रख दूँ ताकि मसला नहीं हो, लेकिन बच्चे उठ चुके हैं, इब्राहिम उठ चुका है और इब्राहिम को लग रही भूख, तो मैं अभी इस वक्त जो है इब्राहिम का नाश्ता बना रही हूँ और इसके बाद खुद नाश्ता अपना भी बनाऊँगी और सब नाश्ता करेंगे। और अब नाश्ते के बाद ही खाना बन सकता है क्योंकि एक तो प्याज की वजह से मैं देर हो गई, एक तो प्याज और दूसरा अब सब उठ गए हैं और अभी जो है खाना बनाना पड़ेगा। कल मैंने जो है फ्राइडे था, ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं की, बस जो है थोड़ी सी बिजी रही और ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, लेकिन ये कि कल मैंने बनाई थी पकौड़ा कड़ी, तो मैंने उसकी ज़रूर बना ली है, फुटेज ले ली है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप आने वाले ब्लॉग में या इसी ब्लॉग में आपके साथ ना वो कड़ी पकोड़ा की रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत मज़े की वो कड़ी बनी थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी और बहुत ईजी थी। तो चलिए अभी मैं इब्राहिम को नाश्ता देती हूँ और फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फ्री होके मैं किचन में चली गई थी, जैसे कि आप लोग को पता ही है आजकल गैस की बहुत प्रॉब्लम है, तो सब मैंने कहा सबसे पहले जाके किचन में खाने रख दूँ पकने के लिए। तो मैंने एक चूल्हे पे यखनी रख दी क्योंकि मैं आज यखनी पुलाव बना रही हूँ और उसके साथ ही मैं जो है अपनी मेथी वाली चिकन जो बनाती हूँ वो भी मैंने पकाना शुरू कर दी। वो दोनों चीज़ें जो है हाफ डन हुई, वो दोनों चीज़ें जो हैं अभी किचन में पक रही थी, तो ज़ारा के साथ मैंने कहा कुछ घर भी सिमटवा दूँ, तो अभी जो है मैं यहाँ पे ना ज़ारा के साथ चीज़ें वगैरह सिमटवा रही हूँ। वैसे तो ज़ारा काफ़ी अर्से से काम कर रही है, उसे पता है चीज़ें कहाँ रखनी होती हैं, लेकिन मुझे ख़ुद अच्छा लगता है कि मैं अपनी जो है घर की चीज़ें ख़ुद समेटूँ और उस जगह पे रखूँ क्योंकि जब मुझे दोबारा चाहिए हो तो मुझे मसला ना हो, मुझे पता हो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें हेल्पर्स पर छोड़ देते हैं ना तो फिर जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम चीज़ ढूंढते रहते हैं वो चीज़ मिल नहीं रही होती। तो ख़ुद रखते हैं तो जो चीज होती है वो हमें फौरन से मिल जाती है और हमें पता होता है हमारे घर की कौन सी चीज कहां पर है। पर लोग आ चुके हैं और मेरा खाना भी तैयार हो चुका है, ये मेरी पुलाव है जिसे मैं डिश आउट कर रही हूँ और कढ़ाई भी तैयार हो गई है। खाना गैस कम होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से बन गया था क्योंकि मैंने सुबह से ही बनाना शुरू जो कर दिया था, तो बस अभी आप लोग सब हैंड वॉश वगैरह करने गए हुए हैं, मैं यहाँ टेबल लगा के उन सब का वेट कर रही हूँ। जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाने वगैरह से फारिग होके है आप लोग सब ड्राइंग रूम में बैठे हैं और मैं यहाँ पर अभी नमाज से ज़ोर अदा करने आई थी और सब बहुत आज काफ़ी अर्से बाद आप लोग आए तो बच्चे सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं वापस बस अंदर जाने लगी हूँ। आज मुझे एक बहुत माशाल्लाह से एक खुशखबरी मिली है, तो उसकी वजह से बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज जो है अजान का माशाल्लाह से कॉलेज में अप्लाई बहुत से कॉलेजेस में किया हुआ था, तो अजान को कुछ कॉलेज जो लाइनअप किए हुए थे जो उसे पसंद थे उसमें से एक कॉलेज ने जो है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर की है, तो माशाल्लाह से बड़ी खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है अजान के पसंदीदा कॉलेज में उसको स्कॉलरशिप जो है मिल गई है, अल्हम्दुलिल्लाह 50% स्कॉलरशिप मिली है, तो खुशी महसूस हो रही है, तो काफ़ी खुशी हो रही है अजान के लिए। मैंने कहा वो मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे कल का व्लॉग भी मैंने एडिट करना है, आज सुबह से किचन वगैरह में लगी हुई थी, तो अभी सोच रही हूँ बैठ के थोड़ा सा कल वाला व्लॉग एडिट करूँ ताकि वो आज अपलोड हो सके और फिर आप लोगों के साथ जाके बैठ के इन्जॉय करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और जी बस अभी यहाँ पर चाय का इंतज़ाम हो रहा है और देखें कितनी कोई मैं मेहनती हूँ यार, सारा टेबल मैंने अकेले लगाया है और हम मेरे साथ टेबल लगाने वाली ईमान जो है, कल ईमान की थोड़ी सी तबीयत सुस्त भी थी और वो हबीबा के साथ बातों में मसरूफ़ थी, तो मैंने कहा उसे क्या डिस्टर्ब करूँ, चले बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, मैं ख़ुद ही टेबल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी बस टेबल लग रही है और बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स मंगवाए थे और साथ में अजान की पास होने की और एडमिशन की खुशी की
मिठाई भी थी। तो अभी जो है वो सारी चीजें यहाँ पर इंजॉय की जा रही हैं और साथ साथ आपा के सब्र का इम्तिहान भी चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आपा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो डॉक्टर ने आपा को सारी बाहर की चीज़ें, बेकरी आइटम्स और जितनी भी फास्ट फूड है वो सब मना किया हुआ है, और आपा जो है अपना डाइट प्लान आपा को दिया हुआ है, आपा सिर्फ वही फॉलो कर रही हैं। तो बस फिर बेचारी आपा ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी, और हम सब ने उनके सामने सारी चीज़ें खा के इंजॉय किया। मुझे थोड़ा सा आपा के लिए बुरा भी लगता है, लेकिन जी सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी है हमें वही करना चाहिए, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। जा चुके थे और फिर बस अब हमने थोड़ा सा घर में समेटा और अभी जो है हमारा बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया है। बच्चों का बहुत दिनों से एक जगह पे जाके जो है खाना खाने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन वो ऐसी जगह थी कि हम इनके अब्बा के बगैर नहीं जा सकते थे, वो थोड़ी सी घर से दूर भी थी, और तो फिर चलते हैं वहां पे और आप सबको भी दिखाते हैं कि आज का डिनर हम कहाँ पे कर रहे हैं। मुश्किल खान मोटियां खाने के लिए अपने फेवरेट बारबेक्यू अफगानी बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए आए हैं। खारी हम यहाँ पे सब पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सा यहाँ पे है सब कुछ, बिल्कुल पूरा अच्छा सा स्टाइल है। नीचे कारपेट पे सब बैठे हुए, चारों तरफ पर्दे रखे हुए, प्राइवेसी का पूरा ख्याल है। हमें बिल्कुल पर्दे में ले आए ये लोग और ये मैं सीटें बांटती हुई आपको रोटी दूं, प्लेट्स कम है। इब्राहिम ने कल बहुत एंजॉय किया, क्योंकि इस तरह का जो बैठने का सेटअप है वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा था, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी लेट रहा था और कभी क्या कर रहा था, कभी गांव तकिए पे बैठ रहा था और बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। वैसे ही सारा दिन से जो है हसन और दानियाल के साथ खेल के वो थका हुआ था, तो वो यहाँ पे ऐसे लेट के बड़ा ही मज़ा आ रहा था। कॉफी वनीला और एक ब्लैक बेरी और एक कोन में ना वनीला दे दूंगा मैं, इसे मैं थोड़ी टेस्ट कर लूँ। कॉफी वनीला मिक्स दे दे, मैंने फौरन ही टेस्ट करके डिसाइड कर लिया। मैं कंफ्यूज। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं बहुत सारा एंजॉय करके, आज का दिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। सुबह में आपा लोगों के साथ और बाद में जो हम लोग जो है अपनी जहाँ फेवरेट जगह गए हैं, और इसके ब्लॉग में तो बस मैंने थोड़ी सी झलकियाँ ही आपको नजर आएंगी, और इसके डिटेल रिव्यू इंशाल्लाह ताला हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में आपको डिटेल रिव्यू मिलेंगे। और तवक्कुआत थी हमारी इस रेस्टोरेंट को लेके, वो उससे भी ज्यादा मजे की, हमें ज्यादा मजे का टेस्ट था इसका। तो बस फिर अभी जो है आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इख्तिताम हुआ है, तो हम ब्लॉग का भी इख्तिताम करते हैं। आप तो शब्बा खैर।